हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन आरसीआई एजुकेशन हब्स ऑनलाइन क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट्स, कल हम पढ़ रहे थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हमने पहचान पढ़ ली थी, उसके रूल्स पढ़ लिए थे, नियम पढ़ लिए थे, भाई कौन सी हेल्पिंग वर्ब चलती है और कौन सी मेन वर्ब चलती है। डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं वो रिपीट करवा देता हूँ आज आपको, कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब चलती है, मेन वर्ब कौन सी लगती है, नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब कहाँ होता है, नोट कहाँ होता है, ये सब चीज़ें मैं आज आपको एक बार फिर से रिपीट करवा देता हूँ। सबसे पहले पहचान होती है हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ। कोई भी शब्द आता हो या रहे हो, कोई भी शब्द आता हो इनमें से, तो वह वाक्य होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हमने हिंदी में तो पहचान याद कर ली, अब उसकी अंग्रेजी बनानी है। मैंने आपको बता दिया भाई, कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव सेंटेंस होता है तो उनमें सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब चाहिए और हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब चाहिए। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट तो मिल जाएगा वाक्य में, हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है वो आपको मैंने कल समझा दी थी। इज आर एम तीन हेल्पिंग वर्ब होती हैं। अब हेल्पिंग वर्ब तीनों का यूज अलग अलग होता है, एकवचन कर्ताओं के साथ इज का, बहुवचन कर्ताओं के साथ आर का, और आई के साथ एम का यूज किया जाता है। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म चलती है और मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है। नेगेटिव में नॉट लगेगा वो हेल्पिंग वर्ब के बाद लगेगा। इंटरगेटिव में सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव में सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का यूज करेंगे और अंत में क्वेश्चन मार्क। अब पढ़ते हैं आज हम उनके चारों सेंटेंस, ठीक है। नंबर एक पर पॉजिटिव सेंटेंस। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले पढ़ेंगे पॉजिटिव सेंटेंस। अब पॉजिटिव सेंटेंस होता है उसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट पॉजिटिव सेंटेंस में, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, इज आर एम के बाद मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ, ये फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ क्या लग जाएगा आई एन जी प्लस में ऑब्जेक्ट। उसके बाद एक एग्जाम्पल देखते हम, तुम अब पेड़ पर चढ़ रहे हो, तुम अब पेड़ पर चढ़ रहे हो। हिंदी वाक्य के अंत में पहचान देखा हमने, क्या लिखा हुआ था, रहे हो, रहे हो आ गया। तो ये वाक्य कौन से टेंस का है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। अब इसमें हम ये देखते हैं सेंटेंस कौन सा है, नहीं शब्द नहीं है, क्वेश्चन मार्क भी नहीं है, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के स्ट्रक्चर से हम इसकी अंग्रेजी बनाएंगे। अब सबसे पहले पॉजिटिव का स्ट्रक्चर हमने माइंड में याद किया कि भाई सबसे पहले सब्जेक्ट लगता है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगती है, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब लगती है और मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है वाक्य में, काम को करने वाला। यहां पर काम को करने वाले कौन है, चढ़ने वाले कौन है, तुम की अंग्रेजी क्या होती है, यू, यू तो यहां पर सब्जेक्ट हो गया। अब मैंने लिखवाया था हेल्पिंग वर्ब इज आर एम तीनों का अलग अलग यूज, बहुवचन करता है इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगी आर, मेन वर्ब क्या है चढ़ना, भाई क्रिया चढ़ने की तो हो रही है, चढ़ने क्या होती है क्लाइंब, क्लाइंब के साथ क्या लगा देंगे आई एन जी, और ऑब्जेक्ट क्या बच गया, कहाँ चढ़ने का काम कर रहा है वो, पेड़ पर, पर की क्या होती है ऑन, पेड़ की द ट्री, बच क्या गया अब की अंग्रेजी क्या होती है नाउ, ये एक एडवर्ब होती है, एडवर्ब हमेशा ऑब्जेक्ट के बाद अर्थात वाक्य के अंत में लगती है। तो ये पॉजिटिव सेंटेंस की हमने हिंदी से अंग्रेजी तैयार कर ली। अब उसके बाद नंबर दो पर हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस। बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसी प्रकार से नेगेटिव सेंटेंस होगा, सेम यही स्ट्रक्चर होगा, बस एक क्या लगाना होगा अपने को, नोट का यूज करना होगा। स्ट्रक्चर सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद इज आर एम हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद नेगेटिव है इसलिए क्या लगा देंगे नॉट, नॉट के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म और मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट,
ये आपका नेगेटिव का स्ट्रक्चर, सेम वही स्ट्रक्चर है, बस एक क्या जुड़ा है, नॉट लगा है नेगेटिव होने की वजह से। एग्जाम्पल जैसे राधिका, अपने कमरे में एक पुस्तक नहीं पढ़ रही है। ये वाक्य लिखा हुआ है, राधिका अपने कमरे में एक पुस्तक नहीं पढ़ रही है। पहचान वही रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, नहीं शब्द आ गया तो नेगेटिव है, क्वेश्चन मार्क नहीं है तो नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव का स्ट्रक्चर हमने माइंड में याद किया। अब नेगेटिव का स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट काम को करने वाला, पढ़ने का काम कौन है यहां पर करने वाली, राधिका। तो राधिका वाक्य की क्या हो गई, सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या लिख देंगे, राधिका। स्ट्रक्चर लिखा हुआ ऊपर अपने पास, सब्जेक्ट के बाद क्या, हेल्पिंग वर्ब। अब तीन हेल्पिंग वर्ब है, इज आर एम, तीनों का अलग अलग यूज होगा। कर्ता यहां पर देखा हमने, एक वचन है, राधिका अकेली है, इज का प्रयोग कर देंगे। हेल्पिंग वर्ब इज, नोट लगा देंगे क्योंकि नहीं शब्द आया वाक्य में, नोट। वर्ब क्या है यहां पर, क्रिया कौन सी हो रही है, पढ़ने की। पढ़ने क्या होती है, रीड। रीड के साथ क्या लगा देंगे, आई एन जी, रीडिंग। ऑब्जेक्ट पढ़ने का संबंध किससे है, अर्थात क्या नहीं पढ़ रही है वो, एक पुस्तक। पढ़ने का संबंध एक पुस्तक से है, इसलिए ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ए बुक। बच क्या गया, अपने कमरे में, कमरे के अंदर है। में की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, इन। अपने की अंग्रेजी क्या होगी, हर। क्यों, क्योंकि कमरे का संबंध किससे है, राधिका, और राधिका के लिए प्रोनाउन कौन सा होगा, सी, और सी का संबंध कारक कौन सा होता है, पॉजिटिव केस कौन सा होता है, हर। इसलिए वहां पर किसका यूज करेंगे, हर, और कमरे की क्या हो जाएगी, रूम। अंत में फुल स्टॉप लगा देंगे। तो ये आपकी हिंदी से अंग्रेजी नेगेटिव सेंटेंस की तैयार हो गई। तो ये आपका नेगेटिव था, ऊपर पॉजिटिव था। उसके बाद नंबर तीन पर अपना चलेगा इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस किस तरीके से बनते हैं वो हम इससे आगे अब देखते हैं। नंबर तीन पर लिखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और एक एग्जाम्पल देखेंगे। नंबर तीन पर इंटरोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, इंटरोगेटिव है, रूल ये पढ़ा था, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं क्या, इज आर एम, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, और अंत में क्वेश्चन मार्क। क्या वह रो रहा है, यह वाक्य लिखा हुआ है, क्या वह रो रहा है, अंत में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, उससे पहचान गए इंटरोगेटिव तो सेंटेंस है, रहा है, आया है, इसलिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंटरोगेटिव है। क्या से शुरू होता हो तो उसकी अंग्रेजी हेल्पिंग वर्ब से शुरू करके बनाएंगे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। अब हेल्पिंग वर्ब किसको देखकर लिखेंगे, सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर, वह है। वह एक वचन है या बहुवचन है, एक वचन है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगा देंगे, इज। उसके बाद वह ही। वर्ब क्या है यहाँ पर, रोना। रोने क्या होती है, वीप। वीप के साथ क्या लगा देंगे, आई एन जी। ऑब्जेक्ट वाक्य में नहीं है तो नहीं है तो छोड़ देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, इज ही वीपिंग। तो ये अपना कौन सा सेंटेंस हो गया, इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। सेम इसी प्रकार से तैयार होगा कौन सा, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। नंबर चार पर इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, प्लस नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, ये का ये स्ट्रक्चर रहेगा, बस नेगेटिव है प्लस में इसलिए नोट और जुड़ जाएगा, और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में नोट जुड़ता है कहां पर, सब्जेक्ट के बाद जुड़ता है। स्ट्रक्चर तैयार करेंगे, सबसे पहले इज आर एम प्लस सब्जेक्ट
प्लस नॉट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट और अंत में क्वेश्चन मार्क। ये हो गया कौन सा, इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव। अब एग्जांपल देखते हैं इसका। मैं बाजार में सामान क्यों नहीं बेच रहा हूं, मैं बाजार में सामान क्यों नहीं बेच रहा हूं। हमने देखा वाक्य के अंत में रहा हूं लिखा हुआ है प्रेजेंट कंटिन्यूअस से, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो समझ गए इंटरगेटिव तो है ये, लेकिन हिंदी वाक्य के बीच में क्या आया है, क्यों आया है, प्लस में नहीं शब्द भी आया है, तो इंटरगेटिव के साथ ये कौन सा है, प्लस में नेगेटिव सेंटेंस भी है। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है ये। अब इसकी अंग्रेजी बनाएंगे, हिंदी वाक्य के बीच में क्यों शब्द आ गया, तो इसी क्यों शब्द से इसकी अंग्रेजी शुरू करेंगे। क्यों की अंग्रेजी क्या होती है, वाई। अब क्यों की अंग्रेजी अर्थात उस डब्ल्यू एच वर्ड की अंग्रेजी लिखने के बाद पूरा स्ट्रक्चर वो का वो तैयार करना होगा, उसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमें लिखना होगा। अब लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, कर्ता कौन है, मैं के साथ क्या लगता है एम, उसके बाद सब्जेक्ट आई है, मैं की अंग्रेजी आई होती है आई, उसके बाद नोट, वर्ब क्या है यहाँ पर बेचना, बेचने क्या होती है सेल, सेल के साथ क्या लगा देंगे आई एन जी सेलिंग। अब क्या नहीं बेच रहा है वो, बेचने का संबंध किससे है सामान से, ऑब्जेक्ट क्या हो गया सामान, क्या हो जाएगी सामान की लगेज, बच क्या गया बाजार में इन मार्केट, अंत में क्या लगा देंगे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, वाई एम आई नॉट सेलिंग लगेज इन मार्केट। तो ये था आपका इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। तो डियर स्टूडेंट्स ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस था आपका, प्रेजेंट कंटिन्यूअस कंप्लीट हो गया यहाँ पर, चारों सेंटेंस इसके पढ़ लिए, पॉजिटिव नेगेटिव इंटरगेटिव और इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव। अब आगे की क्लास में आपका चलेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, जो कि आपकी जो कल क्लास चलेगी उसके अंदर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम शुरू करेंगे।